भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये चीज़ें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। अब देखते हैं हमने ब्रिटेन से क्या क्या बोरो किया है। नंबर वन, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। नंबर थ्री, आयरलैंड से हमने लिए है नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये चीज़ें हमने आयरलैंड से ली है। नंबर फोर, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए है। नंबर फाइव, जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये हमने जर्मनी से ली है। नंबर छः, कनाडा, संघात्मक विशेषताएँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथ में, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये हमने कनाडा से लिया है। नंबर सेवन, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। नंबर आठ, रशिया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने रशिया से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से ली है। और नंबर नौ है जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। संविधान के 395 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके लिया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो आधे से ज़्यादा संविधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी किया है।